this opportunity. Thank you. Honorable Member Sri Janardhan Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुदानों के मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया। महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी और इस विभाग के माननीय मंत्री और राज्य मंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जल परिवहन को और आसान सुगम बनाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और जिसका लाभ आज भी और आने वाले दिनों में भी व्यापक स्तर पर, खास कर करके जल मार्गों के किनारे बसे हुए बस्तियों को भी व्यापक मात्रा पर होने वाला है। सभापति महोदय, भारत सरकार ने कई एक ऐसी परियोजनाएं चालू की है जिसके वजह से जल क्षेत्र से हम मालों का आवाजाही भी कर सकते हैं, उसका ढुलाई भी कर सकते हैं और मंगाने का भी काम कर सकते हैं और छोटे मात्रा में यात्रियों को भी आने जाने का हम सुविधा देने का काम कर सकते हैं। जल मार्ग आज सभापति महोदय सबसे कम खर्चे में माल ढोने की बात हो चाहे यात्रियों के आने जाने की बात हो वह सुविधा प्रदान करती है, लेकिन अभी हमें और इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी हमारे देश में इसे जल मार्ग जल यातायात को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर माला परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना को चालू करने का काम किया है और जिसका एक बड़ा लाभ इस देश को आने वाले दिनों में होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, मेरी टाइम में इंडिया शिखर सम्मेलन जो 2021 में आयोजित किया गया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसमें सम्मिलित हुए और उसमें लगभग 1,90,000 प्रतिनिधियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया जिसमें 11 देशों के से लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लेने का काम किया और इसका एक बड़ा व्यापक असर रहा और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने अपने कहा उन्होंने कि हम 15 साल के दौरान समुद्री नौवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर यानी 6,00,000 करोड़ रुपए का निवेश हम बंदरगाहों के उत्थान के लिए और विकास के लिए करने का काम करेंगे। और आपने सभापति महोदय इस सदन में ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट पेश करते हुए बंदरगाहों के उत्थान और विकास के लिए जो अलग एक बड़ा लक्ष्य रखने का काम किया है और इसका लाभ है, मैं आपको बताऊं कि भारत के तटीय सीमा के साथ 18 उनके विकास के साथ 18 प्रकाश स्तंभ भी इस क्षेत्र में लगाने का काम किया जा रहा है जिसमें खास करके वैसे मछुआरे हमारे जो मछली मारने के लिए दिन में तो निकल जाते हैं, रात में उन्हें वापस आने में लिए कोई ट्रेस नहीं मिलता है और ये बड़े ऊंचे स्तंभ यह बनाए जा रहे हैं प्रकाश स्तंभ जिसका उन मछुआरों को आने जाने में भी व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा। और इसके लिए विभाग और सरकार ने एक बृहद योजना विस्तृत योजना बनाई है और 15 से लेकर के भारत माला परियोजना चालू किया उससे लेकर के और आगे तक के दशकों तक की योजना बनाई है और जिसका लाभ आज पूरे देश में दिख रहा है। आज सभापति महोदय, मैं आपको यह बताऊं कि चाहे इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो, आत्मनिर्भरता भी व्यापक के इसमें जल परिवहन के माध्यम से हो रहा है, हमें अलग से काम करने का छोटे या बड़े जो बगल में उससे बड़े जहाज हमारे आते हैं उसके आसपास के लोगों को इसका व्यापक स्तर पर लाभ मिलता है। महोदय, आजादी का अमृत महोत्सव आज यह पूरा देश अभी मना रहा है और इस अवसर पर भी इस जल परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी अपनी योजना रखी है और इसमें जो बंदरगाह है
उनके बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए, और उस अवसर पर वहां के स्थानीय स्तर के लोगों के विकास करने के लिए योजनाएं, कई एक योजनाएं भारत सरकार और यह मंत्रालय बना रही है और उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। यह सागरमाला परियोजना के द्वारा हम बंदरगाहों को आधुनिकीकरण भी करने का काम कर रहे हैं। पति महोदय, यह पहले संभव नहीं था, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आज यह पूरा का पूरा यह संभव हो रहा है और इसका लाभ हम इस माध्यम से भी ले रहे हैं। हमें जल परिवहन के माध्यम से हमें लागत भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है और हमें ढुलाई भी ज्यादा से ज्यादा करने का हम काम कर सकते हैं, करने का काम हम करते हैं। मध्य मध्य मैं आपको बताऊं कि अभी इधर नए कितने बंदरगाहों का अभी शुभारंभ भी हुआ है। मैं पटना में भी एक बंदरगाह अभी जो पटना से लेकर के गुवाहाटी तक 200 मीट्रिक टन खदान चावल लेकर के गया है, वह 25 दिनों में यात्रा पूरी करेगी और उसमें लागत जोड़ा गया तो जिसने रेल से रोड मार्ग से जो लागत होता उससे बहुत कम लागत में वह सामान वहां पहुंचेगा, सही तरीका से पहुंचेगा और पोल्यूशन भी उसका कम होगा। स्वयं विभागीय मंत्री वहां जाकर के इससे पूरे परियोजना का उद्घाटन करने का काम उन्होंने किया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं, आगे मैंने अभी आपको शिपिंग स्तर पर शिपिंग टैक्सी भी चलाने का काम अभी बंबई में अभी माननीय हमारे मंत्री ने जाकर के वहां शुरू किया है और उसका लाभ भी वहां के लोगों को, जिसका एक बड़े दिनों से जिसके इंतजार था उस इंतजार को पूरा करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। हम बंदरगाहों को जिस तरीका से हम विकसित भी कर रहे हैं उस तरीका से लोगों के सुविधा को भी देने का हम काम कर रहे हैं। महोदय, पटना में कालू घाट एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने पिछले महीनों में किया है, वो आगे आने वाले दिनों में वह करेगा। वह पूर्वी भारत को, मैं कहूं कि वहां से बिहार से लेकर के पूरब के सारे राज्यों को, वह बंगाल होकर करके गुवाहाटी तक जाएगा जो समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य है, वहां से माल ढुलाई के साथ साथ वह बांग्लादेश तक के भी वहां के पूरे जो उनके आवश्यकता है उनको पूरा करने का काम, उनको चाहे ढुलाई की बात हो और चाहे उनके यातायात छोटे यातायात है उनको पूरा करने का काम यह कालू घाट जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन रहा है वहां से लेकर के और जो गुवाहाटी तक जाएगी वह पूरा करने का वह काम करेगी। यह है बंदरगाह 900 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसके माध्यम से हम अलग से भी लोगों को उसका लाभ देने का हम काम कर सकते हैं। महोदय, मैरिटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेकर के और देश के लोगों को इस जल मार्ग से जो आज तक विकसित नहीं हुआ था उसको विकास करने के दिशा में हम हर पहलू पर काम करने का काम करेंगे और इसका लाभ हमें लगता है कि देश में पर्यावरण को भी कंट्रोल करने में सभापति महोदय मिलेगा, यात्रा को भी पूरा करने में मिलेगा और इसके साथ यह हमें पूरा का पूरा माल भी सुरक्षित तरीके से सुगम तरीके से वहां पहुंचने का भी काम होगा। हमने प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से वह तटीय क्षेत्रों में जहां तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनके कॉरिडोर में भी वह आपको मैं बताऊं कॉरिडोर के भी किसानों को अलग से खेती करने के लिए उनके लिए अलग से प्रोत्साहन करने का काम किया है और छोटे छोटे भी किसान उससे लाभान्वित होंगे और उनके माल भी वह छोटे स्तर पर भी उनके माल एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का वह काम करेगा। यह आपको यह सदन को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। सभापति महोदय, मैं एक आध बातें मैं अपने क्षेत्र के लिए जिसे माननीय विभाग के मंत्री जी ने जिसकी मंजूरी देने का काम किया है उसको मैं आपके सामने मैं सिर्फ रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल राजमार्ग 40 के विकास करने के लिए वह सिद्धांतिक रूप से विकास विभाग ने स्वीकृत कर लिया है, जो आपके घाघरा नदी से जो बलिया और सारण को जोड़ती है वह मांझी से वह शुरू होकर करके अयोध्या तक वह जल मार्ग से यात्रा और छोटे कार्गो टर्मिनल के स्थापना के लिए
विभाग ने स्वीकृति दिया है और उसका हमें लगता है कि मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको जल्द से जल्द पूरा करने का आप काम करें जिससे कि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इसके लिए आपने स्वीकृति भी दी है, उसके राज्य मार्गों के जो चिन्हित किया है उसको भी करने का काम किया है और इसका लाभ पूरे बिहार के और बलिया उत्तर प्रदेश के भी लगभग 335 किलोमीटर की यात्रा होगी। यह यात्रा पूरे हम करेंगे और इसका लाभ हमें मिलेगा। हमारे माननीय सांसद बलिया, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मस्त जी बैठे हुए, हमें उनको अंदर में इसके प्रति यह भावना सद्भावना होगी कि आप निश्चित रूप से आप मार्ग जब शुरू करेंगे तो बलिया से लेकर माने बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश के लोग भी सही मायने में अयोध्या तक की भी यात्रा सुगमता से एक धर्म स्थल को भी जोड़ता है। मांझी राम घाट से वह शुरू होगा और अयोध्या आकर के वह टर्मिनल पूरा होगा। और मैं उसमें यह भी आग्रह करूंगा कि छोटे उसमें आप कार्गो का भी काम पूरा करने का काम करेंगे, यह आपसे आग्रह करता हूं। महोदय, जहां हम लोग गंगा को मां कहते हैं, हमारे क्षेत्र में समुद्र नहीं है लेकिन गंगा सरजू घाघरा है, जहां से हम जलमार्ग के माध्यम से यह परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं और इसका लाभ भी आगे लोगों को देने का हम काम कर रहे हैं। और जहां गंगा को हम मां कहते हैं, वहीं अगर आप आगे चले जाए पूरब में तो ब्रह्मपुत्रा को पिता हम कहते हैं। और इस तरीका से हमें उसका एक अपने स्तर से एक धार्मिक भी महत्व है, उस धार्मिक महत्व को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरीका से सागरमाला परियोजना के माध्यम से यह सरकार पूरे जलमार्ग को भी विकसित करने का काम कर रही है, मैं पूर्ण रूप से हृदय से इस उनके डिमांड फॉर ग्रांट्स में जो इन्होंने राशि के मांग किया है उसका मैं हृदय समर्थन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि सरकार मंत्रालय जो मैंने कहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 40 को तुरंत से तुरंत पूरा करे, ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करता हूं, विभागीय मंत्री राज्य मंत्री को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।